नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जब इस्लाम में नमाज अनिवार्य नहीं तो हिजाब कैसे ज़रूरी, सुप्रीम कोर्ट ने किया खास सवाल। हिजाब मामले में अब सोमवार यानी 12 सितंबर को सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में ज़बरदस्त जिरह हुई। एक याचिकाकर्ता की तरफ से तर्क दिया गया कि इस्लाम के 5 मूल सिद्धांत हैं, नमाज, हज, रोज़ा, ज़कात और ईमान। इन 5 सिद्धांतों का पालन करने की अनिवार्यता नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील निजामुद्दीन पासा ने की दलील पर अदालत ने पूछा कि जब अनिवार्यता नहीं है तो आप हिजाब की अनिवार्यता की बात क्यों कर रहे हैं। वकील ने कहा कि अगर कोई इन सिद्धांतों पर अमल नहीं करता तो उसे सज़ा नहीं मिलती है। वकील की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सज़ा के अभाव की वजह से 5 सिद्धांतों का पालन करना बाध्यकारी नहीं है तो सवाल वाजिब है कि शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने की ज़रूरत क्या है। अदालत की टिप्पणी पर याचिकाकर्ता के वकील पासा ने कहा कि बाध्यकारी नहीं होने का मतलब ये नहीं कि 5 सिद्धांतों को मानना ज़रूरी नहीं। उन्होंने सिख समाज के छात्रों द्वारा पगड़ी पहनकर स्कूल या कॉलेज में जाने की दलील पेश की। इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिख धर्म में पंच ककार अनिवार्य हैं और उस समाज से जुड़े लोग पालन करते हैं। जहाँ तक कृपाण की बात है, उसके बारे में संविधान में भी जिक्र है। इससे पहले अदालत के सामने नथुनी, झुमका और जनेऊ का जिक्र किया गया तो कोर्ट ने साफ किया कि विद्वान वकील को अतार्किक दलीलें देने से बचे। आप अपने तर्कों को अच्छे तरह से पेश कर सकते हैं। बता दें कि कर्नाटक सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर बैन लगा दिया था, लेकिन उडुपी में ऐसद सिफा नाम की छात्रा हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंची थी और कॉलेज ने उसे वापस भेज दिया था। इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और फैसला सरकार के पक्ष में आया।